दोस्तों जिस तरह हर टेक्नोलॉजी समय के अनुसार धीरे धीरे अपग्रेडेशन के साथ ज्यादा ताकतवर और पहले के मुकाबले एडवांस होता है, ठीक उसी तरह आज न्यूक्लियर बम्स को हाइड्रोजन बम में तब्दील कर दिया जा रहा है, जो आज पहले के न्यूक्लियर बम से हजारों गुना ताकतवर हैं। आज हम जानेंगे न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम में अंतर क्या है। दरअसल न्यूक्लियर बम में न्यूक्लियर फिजन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें एटम्स डिवाइड होकर हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। वहीं हाइड्रोजन बम में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रिंसिपल का उपयोग होता है। मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया में एटम्स कंबाइंड होकर जबरदस्त एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसका जीताता उदाहरण हमारा सूर्य है, जहां एटॉमिक बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का जरूरत होता है। वहीं हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम के साथ साथ हाइड्रोजन के दो आइसोटोप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बेहद ही जरूरी बन जाते हैं। हाइड्रोजन बम में दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, और इस प्रक्रिया के दौरान जो एनर्जी रिलीज होते हैं वो हाइड्रोजन बम को एक्टिव कर देते हैं, और यह धमाका जापान में गिराए गए हुए एटॉमिक बम से 1200 गुना ताकतवर होता है।